दो कार्स अपनी बाहर, गली हैगी 45 फुट वाइड, एक्टिविटी PR7 तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर स्टार्ट होंगी है कुछ 80 लाख तो 111 गज 117 गज एंड 127 गज के बीच। गल दोस्तों, मैं थोड़ा होस्ट अमनदीप सिंह, अज एक नवी प्रॉपर्टी बिल्टअप कैटेगरी के बीच लैके आया थोड़े वास्ते। ये रहने वाली है सैक्टर 124 ग्रेटर मोहाली, जिन्होंने असी सनी एनक्लेव भी कहते हैं, न्यू सनी एनक्लेव भी कहते हैं। सो इस प्रॉपर्टी की अगर लोकेशन की गल की जाए, असी इस टाइम तो 124 सैक्टर के बीच है एंड इहदी कनैक्टिविटी की गल की जाए तो इहदी कनैक्टिविटी PR7 तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर एंड चंडीगढ़ खरर रोड तो जिहड़ा हाईवे हैगा अपना NH205 उस तो इहदी कनैक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। सो इस प्रोजेक्ट दे विच असी वेरियस साइजेस दे विच अपनी बिल्टअप यूनिट्स लेके आए हैं, 111 गज 117 गज एंड 127 गज दे विच। जिहड़ी 111 गज की कोठी है वह स्टार्ट होंदी है कुछ 80 लाख तो, 117 गज की कोठी 4 BHK स्टार्ट होंदी है कोई अप्रोक्सीमेटली 88 लाख तो, 127 गज की कोठी जिहड़ी 3 BHK दे विच बनी हुई है वह भी 88 लाख की है। बाकी हर लोकेशन दे अकॉर्डिंग कोठी का प्राइस है, जे कॉर्नर है तो थोड़ी कॉस्टली होएगी, जे साइज़ वाइज थोड़ी वड्डी है या 4 BHK कॉर्नर है तो उदा प्राइस डिफरेंट होएगा। तुसी वो जानकारी सानू थले दिते गए नंबर ते कॉल करके लै सकते हो। रही गल हुण फ्रंट फसाड़ दी, तुसी देख सकते हो कि फ्रंट फसाड़ असी बहुत सोहना बनाया हुआ, इहदा खुल्लियां डुल्लियां बालकनीज हैगियां फ्रंट ते एंड आराम नाल तुसी दो कार्स अपनियां बाहर ते एक कार अपनी वड्डी SUV कैटेगरी की कार तुसी अंदर पार्क कर सकते हो। गली की गल की जाए तो गली हैगी 45 फुट वाइड, खुलियां सड़कां हैगियां प्रोजेक्ट के अंदर। ये नहीं है कि तुहानू पार्किंग के इशूज़ आएंगे, बहुत एप्रोप्रिएट पार्किंग स्पेसिस हैगियां साढ़े कोल, तो तुसी आराम नाल इत्थे अपनी कार्स पार्क कर सकते हो। ईवन तुहाडे गेस्ट भी आराम नाल आके इत्थे पार्क कर सकते हैं। चलो हुण मैं तुहानू अगे अंदर का ओवरव्यू दिंदा इस बिल्टअप यूनिट का। ये कोठी 127 गज दे विच बनी हुई है, 3 BHK यूनिट है, एक्सटर्नल स्टेयर्स हैगियां, कोठी दे अंदर आंदे ही असी लिविंग एरिया दे विच आंदे हां जिथे तुसी आराम नाल अपना 7-सीटर सोफा लगा सकते हो, आराम नाल तुहाडे गेस्ट इत्थे बैठ सकते हैं ते कोजी मोमेंट्स अलोंग विद द फैमिली इंजॉय कर सकते हो। अंदर आंदे ही किचन दे ऑपोजिट हैगा डाइनिंग एरिया, 6-सीटर डाइनिंग असी सैटअप किया हुआ जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किन्नी स्पेस ये लै रहा है, स्पेस की यूटिलिटी तुहानू समझ आ जाएगी स्पेस की। ये तुहाडा बार काउंटर आ गया एंड दैन वी हैव दिस ह्यूज ओपन किचन। ओपन किचन दे विच असी सॉफ्ट क्लोजर वाली फिटिंग्स दी हुई हैं ब्रांडेड। इहदे विच हॉब एंड चिमनी इंक्लूडेड नहीं होएगी, बाकी जिवें तुसी देख रहे हो एज इट इज़ तुहानू मिलेगी। इत्थों तुसी अगर घर दी लेडीज़ इत्थे काम कर रही हैगियां ते लिविंग एरिया जो कि गेस्ट जोन हुंदी है उत्थों इस किचन दी विजिबिलिटी बहुत घट है, मतलब इस जगह पर फ्रिज आ जाएगा, इस जगह पर घर की लेडीज अगर काम कर रही हैं तो प्रिवेसी पूरी सानू मिलती है। एंड दिस इज द सैक्शन जिथे तुसी सब तो ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो, वी मेक श्योर कि इतने एम्पल लाइट होए, एम्पल वेंटिलेशन का जगह होए, ठीक है, एंड कल में जो तुसी कुकिंग करो तो तुहानू सफोकेटिंग फील ना होए। हुण असी आने अपने Room 1 ऑन द ग्राउंड फ्लोर लैवल। 11x15 का रूम हैगा, दिस इज आर वार्डरोब सेक्शन, मैं एक बार खोल के दिखा दिना। ह्यूज वार्डरोब हैगा, आराम नाल एक न्यूक्लियर फैमिली दे और कपल वास्ते उन्होंने अलोंग विद देयर किड्स तुसी आराम नाल स्टोरेज कर सकते हो इन वार्डरोब्स दे विच। विद अटैच बाथरूम, जैगुआर की बाथ फिटिंग्स रहनगियां जिवें तुसी देख रहे हो, एवें ही तुहानू बाथरूम मिलेगा। बाकी तुसी आ देख रहे हो टीवी पैनल, टीवी पैनल असी लगा के दे रहे हैं
प्लेन वॉल्स रहनगियां इहदे विच। असीं हुण अपने रूम 2 दे विच आए हां जिहनूं मास्टर बैडरूम भी कहिंदे आ। अगेन 11x15 दा रूम विद एक्सेस टू पिछे वेट एरिया। एंड इधर आ वार्डरोब, सारा वुडवर्क असी पहला करके देवांगे। वार्डरोब सारे बने रहेंगे, फॉल सीलिंग का काम होया होएगा। एंड बाथरूम दे विच सारी बाथ फिटिंग्स एंड सेंट्री सारी लगी होएगी। जैगवार दी बाथ फिटिंग्स रहनगियां। सो ये सीगा साडा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट। मैं तुहानू हुण उपर फर्स्ट फ्लोर ते लैके चलदा, तुहानू उपर फर्स्ट फ्लोर का लेआउट दिखांदा। तुसी आ देख रहे हो कि वाइड स्टेयर्स हैगियां, स्टेप साइज छोटा हैगा। किसी नूं अगर कोई बुजुर्ग बंदा है घर दे विच ते उहनू उपर चढ़न विच भी कोई इशूज नहीं होणगे क्योंकि स्टेप साइज बहुत छोटा। प्लस जदों तुसी अपना समान मूव करोगे इत्थे ते बिकॉज दी स्टेयर्स आर रियली वाइड, तुसी आराम नाल अपना समान मूव कर सकदे हो। एंड फॉर नैचुरल लाइट असी उपर आ वाले स्टेयर वाले सैक्शन दे विच भी असी तुहानू ओपन विंडो दिती हुई है विद प्रॉपर स्टील केजिंग। हुण उपर असी एक यूटिलिटी स्पेस दिती है, तुहानू वेट कनैक्शन भी देते हुए हैं। तुसी इनू किस तरह यूज करना है ये तुहाडे उत्ते डिपेंड है। तुसी एज अ स्टोर इनू यूज करना है, तुसी एज अ गेस्ट रूम इनू यूज करना है, तुसी इनू एज अ किचन यूज करना, ये तुहाडे उत्ते यूसेज डिपेंड करेगी। ये उपर रूम आ जाता है जी 12x16 का, थर्ड बेडरूम जो कह सकते हैं। ये असी फुली फर्निश किया हुआ, वॉल आर्ट वॉलपेपर बहुत अच्छा लगाया, पिछे अपहोल्स्ट्री बहुत अच्छी है बेड की। दिस टीवी पैनल वॉज लुकिंग रियली गुड। एंड नाउ मैं थोनू बालकनी तो व्यू दिखा दूँ। दिस इज अ बालकनी, ईस्ट फेसिंग यूनिट है। तुहानू चढ़दा होया सूरज दिखेगा इत्थे, तुसी अपनी इवनिंग्स अपनी फैमिली दे नाल इत्थे बैठ के इंजॉय कर सकदे हो। अपनी चाह इवनिंग टी इत्थे इंजॉय कर सकदे हो, मॉर्निंग टी इत्थे इंजॉय कर सकदे हो इस जगह ते बैठ के। अगैन इहदे विच भी असी वार्डरोब बिल्टन दे रहे। एंड देन वी हैव एन अटैच बाथरूम। इस तो बाद साडे कोल पिछे अपना ओपन टैरेस आ जाता जिन्हें तुसी जिस तरह मर्जी अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ह्यूज स्पेस, इनू तुसी अपनी फैमिली गेट टुगेदरस ईवनिंग गेट टुगेदरस वास्ते भी यूज कर सकते हो या टैरेस गार्डन की तरह भी इनू यूज कर सकते हो। सो दिस वॉज साडी 127 गज दे विच 3 BHK यूनिट इन सैक्टर 124। मैं इहदा पूरा तुहानू लेआउट दिखाया है, ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, बालकनीज इहदियां, पिछे बैक टैरिस। आई होप तुहानू इहदे विच पूरी क्लैरिटी मिल गई होएगी लेआउट की। बट स्टिल अगर तुसी तुहाडा कोई कंसर्न हैगा इहदी पेमेंट नू लै के, इहदी पोजेशन टाइम नू लै के, प्लस अगर इहदे विच कोई तुहानू कन्फ्यूजन है इहदे साइज़ नू लै के, वो तुसी साडे तो जान सकते हो, या इहदे लेआउट नू लै के तुहानू कोई इशूज है तुसी सानू थले दित्ते गए नंबर ते कॉल करके साडे तो सारी इनफॉर्मेशन लै सकते हो। एंड मोर ओवर मैं अपने नवे व्यूवर्स नू भी कहांगा जदों तुसी वीडियो एंड करो तो प्लीज़ थले दित्ते गए सबसक्राइब बटन ते क्लिक करो, क्लिक करके बैल आइकन नू प्लीज़ प्रेस करो ताकि आने वाले टाइम दे विच तुहानू कोई भी इदां दी प्रॉपर्टी तुसी मिस ना करो, कोई भी इन्वेस्टमेंट दे रिलेटेड कोई इनपुट तुसी मिस ना करो ताकि तुसी भी अगे ग्रो कर सको टाइमली। थैंक यू।